जीके होंडा। एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियाँ उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जीके होंडा तेलीबांदा रोड मिनोचा पेट्रोल पंप के पास रायपुर। बालोद जिले NH 30 मुख्य मार्ग जो छत्तीसगढ़ को बस्तर से जोड़ती है, इसी NH पर एक गांव है जगतरा, जहां से गुजरने वाली सड़क कभी मौत का सड़क कहा जाता था, जिसको लेकर कोई कहता है यहां भूतों का वास था, कोई कहता है यहां कोई बुरे आत्मा का साया था, इसलिए यहां पर आए दिन दुर्घटना के चलते कई जाने भी गई। आखिर क्या है इस मंदिर की रहस्यमय कहानी, क्या कहते हैं लोग? बालोद जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे क्रमांक 30 स्थित जगतरा गांव, जहां स्थित दुर्गा माता के मंदिर में भी इन दिनों माता की ज्योति कलश स्थापित कर माता की आराधना की जा रही है। भक्त भी आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंदिर का इतिहास ना ऐतिहासिक है ना ही पौराणिक। दरअसल इस मंदिर की स्थापना करीब 30 से 35 वर्ष पहले की गई है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो सड़क पर औसतन हर मिनट 5 से अधिक गाड़ियां गुजरती है, लेकिन पहले सड़क पर आए दिन दुर्घटना की बातें सामने आती थी। लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब इस सड़क से वाहन गुजरती थी तो अचानक कोई गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देते थे, जिसके चलते वाहन की दुर्घटना हो जाती थी और इससे जन क्षति भी होती थी, जिससे लोग भूत प्रेत व अन्य तरह बुरी शक्तियों का हावी रहने के कारण ऐसी घटनाओं का होना बताते नजर आए। वही मामले पर लोगों का मानना है कि इसे रोकने के लिए स्थानीय लोगों और आसपास से गुजरने वाले लोगों के सहयोग से इस जगह पर दुर्गा माता की मंदिर बनाई गई है। वही इस मंदिर के बनने के बाद से इस जगह पर दुर्घटना पूरी तरह बंद होने की बात कहते नजर आ रही है। इसके अलावा इस मंदिर में भक्तों द्वारा मांगी गई मन्नतें भी पूरी होती है। इस मंदिर लगभग मेरे को 26 साल हो गया है, 1995 में बना हुआ है ये मंदिर। और जब इस मंदिर का जब कार्य निर्माण हुआ था ना, उस समय में मेरा उम्र था 16 साल का, अभी मेरा उम्र है 47 साल का। तो उसी समय से मैं इस मंदिर में जुड़ा हूँ और मंदिर का नींव हम ही लोग मतलब खड़ा किया, बनाया मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा किया। और जब से मंदिर बना है तो आदमी का आस्था इस मंदिर में बहुत बढ़ गया। आने जाने वाले श्रद्धालु घन हजारों की तादाद में डेली यहाँ पे रुकते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ माता जी से मन्नत मांगते हैं उनका मनोकार्य पूर्ण होता है। इस कारण दिनों दिन इस मंदिर का मान्यता बढ़ रहा है। पहले इस रोड में आए दिन दुर्घटना होता था। जब से मंदिर का निर्माण हुआ जो भी दुर्घटना होता था वो पूरा समाप्त हो गया है। यही आदमी की सच्ची श्रद्धा के प्रति मान्यता इस मंदिर में। मंदिर तो लगभग 1995 से बना हुआ है और शुरू से एक आस्था बनी हुई है कि जब भी आना जाना हो एक मंदिर से माता जी का मत्था टेक के जाएँ, बजरंगबली का मत्था टेक के जाएँ। और ऐसा भी लगता है कि यहाँ से मत्था टेक के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आस्था पूरी हुई और महसूस होता है कि अच्छा लगता है कि हमारा जो आगे का जो जर्नी है वो अच्छी से रहे, कामयाब रहे। मतलब हाँ, ये भी मैंने सुना था ये भी कि भाई ऐसा कि यहाँ मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। जब से मंदिर बना है एक्सीडेंट वगैरह बहुत कम होते हैं और जो बोलते थे कि ऐसा भूत प्रेत वगैरह मिलते हैं या ऐसा कुछ होता है, ऐसे कुछ उस टाइप का ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। गाड़ी एक्सीडेंट होती थी या कुछ भी होता था, मैं इस टाइप का कोई घटना नहीं हो रही है। ये विशेषता तो ऐसा है भैया, मैं इस मंदिर में 30 साल से आ रहा हूँ और मेरा मतलब जब मंदिर स्थापना हो रहा था उसी समय से इस मंदिर में आना जाना, मैं पहले कांकेर में रहता था फिर रायपुर चला गया, तो इस रूट में मेरा हमेशा महीने में एक दो बार आना जाना हो ही जाता है। और सबसे अहम बात जो है भैया, लोग बोलते हैं, हालांकि हमको कभी इस टाइप का एहसास नहीं हुआ कि आगे जो घाट है उस घाट का जो पुराना रोड है उस टर्निंग पे आगे बोलते थे कि कोई ऐसा कुछ होता था रात के टाइम, कोई हाथ आता था आके स्टेयरिंग को घुमा देता, मतलब गाड़ियाँ बहुत एक्सीडेंट होती थी इसी रोड में। तो जब से ये मंदिर यहाँ पे बना है उस
के बाद से आज तक कभी अपन इस मंदिर के आसपास में कुछ भी नहीं सुना। बाकी आस्था सभी का देखिए ऐसा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी गाड़ी वाले यहाँ से जाते हैं, भले मुस्लिम लोग नहीं रुकते लेकिन उन्होंने बकायदा यहाँ पे हॉर्न मार के माथा टेकते हुए सब निकलते हैं। जैसे बसों में हम लोग आना जाना कभी करते देखते हैं, भाई मुस्लिम ड्राइवर है लेकिन वो हॉर्न बराबर यहाँ पे बजाएंगे ही बजाएंगे। बाकी हमको इस मंदिर में मतलब बहुत मतलब श्रद्धा है इस मंदिर से, और कई बार अपन ने कुछ मन्नत वगैरह मांग लिया है तो बिल्कुल हमारा वो चीज पूरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद नर्सरी, शहर के मध्य 4 एकड़ में फैली इस नर्सरी में आपको मिलेंगे 100 से अधिक प्लांट की विशाल रेंज। उच्चतम क्वालिटी न्यूनतम कीमत पर हर साइज में 6 माह से 4 वर्ष तक के प्लांट उपलब्ध। कदम गुलमोहर, करनास, नीम, पीपल, लक्ष्मी, तरु, बॉटल पाम, एरिका पाम, कोकोनट पाम, रॉयल पाम समेत अनेक रोड साइड प्लांट्स की रेंज। आपको मिलेंगे मैंगो, चेरी, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, जामुन जैसे सभी फ्रूट प्लांट्स। हमारा पता है SB नर्सरी राधा स्वामी, डेरा के पास, ग्राम नकची, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज़।